कल अगर मेरा व्लॉग आता है, सही है, जिस टाइम भी आए, बस कल के दिन आए, 24 घंटे के बाद या 24 घंटे के अंदर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज योर शामरेस। बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा है, अब नहीं नज़र आएगा। बैकग्राउंड की कुछ चीज़ें गायब होते हुए नज़र आएंगी आपको। बैकग्राउंड में मेरा अपना जो बैकग्राउंड बना हुआ है, ये भी कुछ टाइम बाद आपको गायब होते हुए नज़र आ जाएगा। रीज़न क्योंकि बताऊँगा बाद में। बहरहाल आप लोगों को एक छोटा सा चैलेंज के बारे में बता रहा था कि 7 डेज चैलेंज। आज का जो मेरा ब्लॉग है इंक्लूडेड, और उसके बाद 6 दिन और रेगुलरली मेरे ब्लॉग्स आएंगे। बट कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों से डिस्कस करनी है, क्योंकि 7 दिन रेगुलरली ब्लॉग करना आसान बात नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये चैलेंज इसलिए एक्सेप्ट करा है खुद, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपको एज अ ब्लॉगर, और कंटिन्यूसली बोलते हैं ना कि ब्लॉग करोगे तो आपको अच्छा रिस्पांस आएगा, तो 7 दिन का चैलेंज सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अभी तक एक्सेप्ट भी नहीं करा, बहरहाल एक्सेप्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा ना अच्छा कर पाऊँगा कंटिन्यूसली, अगर फोकस करके एक दिन, एक हफ्ते अगर मैं ब्लॉग करता रहा तो। ऐसा नहीं कि इस 7 दिन के चैलेंज में मैंने कोई ऐसा माइंडसेट करके रखा हुआ है कि पूरा ब्लॉग तैयार करके रखे हुए, ऐसा भी नहीं है। आज का ब्लॉग जो आप देख रहे हो, अगर इसी के नेक्स्ट डे एक और ब्लॉग आता है तो आप समझ जाओ कि नेक्स्ट 6 डे और ब्लॉग्स आएंगे, समझ रहे हो बात। आज का ब्लॉग, कल का ब्लॉग और नेक्स्ट 5 डे, सॉरी मतलब पूरा हफ्ता ब्लॉग कम्प्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट करा है या चैलेंज रखा है अपने लिए और आपके लिए। मैं ब्लॉग बनाऊंगा, आप लोग ब्लॉग देखोगे, 7 के 7 दिन आप लोग मेरे से कनेक्ट होगे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर। उम्मीद करते हैं कि 10 मिनट से ऊपर करना जाए, 10 मिनट के अंदर अंदर सारे ब्लॉग रहे हैं, 10 से ऊपर भी जा रहा तो कोई मसला नहीं है। बस ये है कि 7 दिन अगर आप रेगुलरली ब्लॉग करोगे तो जाहिर सी बात है आपके ब्लॉग की एडिटिंग में थोड़ा सा जो है ना फ़र्क आएगा, बट मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा फ़र्क ना आए, और अपना जो एक ट्रेंड चलता है उसी ट्रेंड को लेके चलते रहें। और माना कि मुश्किल होता है कि ब्लॉगिंग करना, उसके बाद एडिटिंग करना, उसके बाद फिर यूट्यूब पर सबमिट करना, और फिर उसके बाद आप लोगों की कमेंट्स के जवाब देना, तो माना कि मुश्किल होता है, बट इस मुश्किल चीज़ को तो अचीव करना है, मतलब अपना आपको सेटिस्फाई करना है अपने आपको कि हाँ शाम तुम कर सकते हो 7 दिन के डेली ब्लॉग। ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी, साथ साथ आपको ये बता दूँ कि ये मेरी चीज़ें चेंजेस क्यों हो रही हैं, क्योंकि आने वाले महीनों में आपको तो ये सब चीज़ें, कलर वगैरह यहाँ पे सब चीज़ नज़र नहीं आएगी बिल्कुल, आप ये समझोगे कि शायद कोई नई जगह पे बैठा हुआ है। बाकी ये कि कुछ चीज़ें हमारे यहाँ से अलविदा करने वाले हैं, इस तरह हमारे यहाँ पर सोफे नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आने वाली हैं, एक आपको नया लुक नज़र आएगा इस रूम का। तो आने वाले टाइम पर आप हमारे साथ ब्लॉग में अगर जुड़े रहेंगे 7 दिन तक, तो आपको पता भी चल जाएगा ये सब हो क्यों रहा है। ये जो बैकग्राउंड पर आपको नज़र आ रही है, ये आई थिंक इस चीज़ को हो चुके हैं 8 साल, आई थिंक 7 या 8 ईयर्स हो चुके हैं इसको ना, ये वाले डिज़ाइन को। बट अभी जब मैं कलर करवाऊंगा तो सोचा हुआ कि इस डिज़ाइन में कुछ ना कुछ नया डिज़ाइन होना चाहिए, या फिर इसको प्लेन रख दें। तो सजेशन में आप दे सकते हो, और अगर आप लोगों के किसी के पास भी कोई अच्छा पेंट वाला है, मतलब अच्छा कलर वाला है, तो भाई को रिकमेंड कर दो, भाई को बहुत ज़रूरत है किसी अच्छे कलर वाले की। बाकी ये कि आगे जाके डिज़ाइन जो सोचा हुआ है मैंने, वो आपसे शेयर करूँगा, और इस वॉल पे वो वाला डिज़ाइन होगा। तो अभी चल रही है एक आध कलर वाले से बात, आई थिंक कि अभी हमें स्टार्ट नहीं करवाना है, स्टार्ट हमें थोड़े टाइम बाद करवाना है। तो जब ये हो जाएगा तो हमें ये वाली वॉल पे डिज़ाइन रखना है, इसको प्लेन नहीं रखना, थोड़ा सा डिज़ाइन इसमें यहाँ पर रखना है। सो देवी और सजनों, अगर आप लोगों को एक बार ब्लॉग पसंद आया है तो मतलब इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। बट ये कि मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह मुझे 80% यकीन है कि मैं कल ब्लॉग डालूंगा, और मैं ये चैलेंज अपने आप पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ये वाला चैलेंज, बस इंशाल्लाह कोई ऐसा रुकावट ना आए, क्योंकि मैं जब भी ब्लॉगिंग करने लगता हूँ तो मेरे साथ ऐसा सीन होता है। अभी भी ये वाला ब्लॉग कर रहा था, मतलब ये वाली वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके लिए भी इतनी दफ़ा नॉक हो रहा है दरवाज़ा, बाहर कोई आ रहा है, बेल बज रही है, जाना पड़ रहा है, तो जो सोचा हुआ होता है वो आधी चीज़ तो मेरी वहीं निकल जाती है। तो इसीलिए जो है ना, बस रुकावट ना आए कोई, तो हम ये वाला ब्लॉग बना डालेंगे, 7 दिन पता भी नहीं चलेंगे निकाल देंगे। तो आज ये वाला ब्लॉग डाल रहा हूँ इंशाल्लाह, कल अगर मेरा ब्लॉग आता है, सही है, जिस टाइम भी आए, बस कल के दिन आए, 24 घंटे के बाद या 24 घंटे के अंदर ये वाला ब्लॉग, अगला ब्लॉग आता है तो समझ लो हमने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, और बाहर फिर से कोई आया है, थोड़ी देर में आता हूँ, वेट। बस इस स्वीपर की कमी रह गई थी, वो भी आके चला गया, और उसको भी कचरा मैंने दे दिया है,
तो समझ लो बात कितना मुश्किल होता है ब्लॉग करना, बट उतना ही आसान होता है ब्लॉग करना। इस चीज़ को अगर जहन पे सवार ना करें, जो कि मैं कर लेता हूँ। बहरहाल कल मिलते हैं, फिर कोई आ गया जाना पड़ेगा, कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।